फ़ोनोलॉजिकल प्रोसेस डीए स्टूडेंट्स मुझे इस मॉड्यूल में आपसे फ़ोनोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में बात करनी है से मुराद ये है कि बच्चे किस तरह साउंड्स निकालते हैं किस तरह वावल्स और कॉन्सोनेट्स को हजफ करके या इजाफा करके किस तरह वो वर्ड्स बनाते हैं और कैसे आवाज़ें निकालते हैं और मॉरफ्यूम्स को किस तरह जोड़ते हैं सो फोनोलॉजिकल प्रोसेस आर वेज द दंग चिल्ड्रन चेंज आर सिम्प्लीफाई द साउंड इन वर्ड्स एज दे लर्न टू टॉक तो जिस तरह वो बात करना सीखते हैं वो सिम्प्लीफाई करते हैं या उनको चेंज करते हैं साउंडस को और दीज प्रोसेस आर नॉर्मल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज डिवेलपमेंट एंड हेल्प्स चिल्ड्रन प्रोड्यूस स्पीच साउंडस एट द ईजियर एंड देम टू से यानी जिस तरह उनको आसानी होती है वो उस तरह करते हैं क्योंकि ये बच्चे इस वक्त लैंग्वेज एक्विजिशन की स्टेज पर होते हैं और वो बिल्कुल करेक्ट लैंग्वेज जो वर्ड्स हैं वो तो अपनी जब उनकी वो स्टेज या डेवलपमेंट स्टेज आती है उस वक्त अदा करते हैं मिसाल के तौर पर अ चाइल्ड में द दर्ड्स टॉप टू टॉप बाय ड्रॉपिंग द साउंड ऑफ एस आर रिप्लेस टी एच वर्ड टी एच साउंड टू द इन द वर्ड थिंक इसको चेंज करेगा वो एफ के साथ और वर्ड बोलेगा फिंक और दीज चेंजेस आर टैंपरेरी ये आर्जी होती हैं लेकिन जब वो बच्चे अपनी लैंग्वेज एक्विजीशन की स्टेज पर मुकम्मल हो जाते हैं पहुंच जाते हैं तो ये फिर आता आहिस्ता दुरुस्त होती जाती हैं पोलोलॉजिकल प्रोसेस आर अंडर थ्री कैटेगरीज इसके तीन कैटेगरीज़ के अंदर ये वकूप पजीर होती हैं सेलेबल स्ट्रक्चर नंबर वन सब्सटीट्यूशन नंबर टू एंड असीम्यशन नंबर थ्री तो सेल सबसे पहले हम देखते हैं कि सेलेबल स्ट्रक्चर क्या है यानी ये मारफीन्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं किस तरह ये बनाते हैं द साउंड चेंजिस दैट कास्ट साउंड आर सेलेबल्स टू बी रिड्यूस्ड उड आर रिप्लेस्ड। तो ये जो सेलेबल्स हैं इनमें साउंड्स जो है कॉन्सोनेट्स या उनकी किसी जगह उमेट हो सकता है या रिप्लेस uh, हो सकता है या रिड्यूस हो सकता है सो क्लस्टर रिडक्शन चाइल्ड सिंप्लीफाइज अ क्लस्टर कॉन्सोनेट साउंड्स, यानी कॉन्सोनेट साउंडस के कलस्टर को किसी सिम्पलीफाई करके एक, एक उस क्लस्टर में बोलते हैं सिंगल मैनेजेबल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में यानी कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स में वो बोलते हैं मसलन पून टक फॉर ट्रक तो ये एग्जांपल थी दिस फोनोलॉजिकल प्रोसेस शुड रिजॉल्व बाय द टाइम ऑफ एज ऑफ फोर थ्री फोर इयर्स यानी चार साल की एज तक इस ये जो फोनोलॉजिकल प्रोसेस है वो ठीक होता जाता है यानी उस वक्त तक ऐसे होता है और ये होता है विदाउट वर्ड साउंड एस और विदाउट और विद द साउंड एस ये फाइव इयर्स की एज में जाके वो होता है और फाइनल कॉन्सोनेंट डिलीशन किसी वर्ड में फ़ाइनल को कॉन्सोनेंट है उसको डिलीट करना uh, उसकी साउंड उसकी साउंड मसलन कप है तो कप के लिए का और इसी तरह डॉग uh, डा तो डॉग के लिए इन्हें डी उसको जी को वो ड्रॉप uh, करेंगे तो ये ये पैटर्न्स भी तीन साल की एज तक चलते हैं और उसके बाद वो रिजॉल्व होते जाते हैं इनिशियल कॉन्सोनेंट डिलीशन बच्चे ऐसे भी होते हैं कि किसी वर्ड के इब्तई जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको डिलीट करते हैं जैसे अप फॉर कप और अन फॉर सन तो यानी इसमें दोनों में उन्होंने uh, पहले में कप में सी ड्रॉप किया और सन में एस ड्रॉप किया तो दिस इज़ एन अनयूएल पैटर्न ये एक गैर मामूली पैटर्न है टाइपल के लिए इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फोनोलॉजिकल डिलेड रिकमेंडेड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट तो स्पीच लैंग्वेज थ्रोपिस्ट इसको रिकमेंड करते हैं तो कि ये एक गैर मामूली या आम मामूल की ये एक्टिविटी नहीं है और वीक सिलेबल डिलीशन इसमें क्या जो वीक सिलेबस होते हैं उनको भी बच्चे डिलीट कर देते हैं जैसे नाना फार बनाना और कम्प्यूटर के लिए वो पुटर फार कम्प्यूटर तो ये इस तरह मतलब वो वर्ड्स को डिलीट करते हैं और ये चार साल की एज तक यह सिलसिला उनका चलता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं सब्सिट्यूशन यानी मुतबादल के तौर पर वन वन साउंड सब्सिट्यूट Another, जब दूसरी किसी साउंड के साथ उसको मुतबादल के तौर पर उसको लिया जाता है बैकिंग ईडी जैसे गॉग पर डॉग फ्रंटिंग आगे की तरफ जाना टी फा की और रिजॉल्व बाय द एज ऑफ थ्री पॉइंट फाइव ईयर तो साढ़े तीन साल की उम्र तक ये भी ठीक हो जाते हैं और ग्लाइडिंग इज द अ ग्लाइड डब्ल्यू एंड वाई साउंड फॉर लिक्विड एल एंड आर साउंडस जैसे याइक फॉर लाइक uh, और वग फॉर रग सो ग्लाइडिंग रिजॉल्व बाई द एज ऑफ सिक्स ये चूंकि एक मुश्किल एक्टिविटी uh, है या मुश्किल मरहला है इसलिए ये छः साल की एज तक जाके दुरुस्त होता है असीम्यशन वेन चिल्ड्रन चेंज द साउंड इन द वर्ड्स सो दे दे आर मोर सिमिलर टू ईच अदर ऐसी आवाज़ें जो एक दूसरे के साथ सिमिलर होती हैं उनको वो चेंज करते हैं जैसे वेन अ कॉन्सनेंट साउंड स्टार्ट टू साउंड लाइक एन अदर साउंड इन द वर्ल्ड जैसे बब फर बस और रिजॉल्व ये भी तीन साल की एज तक जाके ये ठीक हो जाती हैं सिमिलेशन uh, के लिए कुछ और एग्जाम्पल्स uh, या कुछ और एक्टिविटीज जैसे डी नेजलाइजेशन वैन नेज़ल साउंडस लाइक एम एंड एन चेंज टू आर नॉन नेज़ल साउंडस बा एंड दा तो उनके साथ जब बदलती हैं तो वो जैसे डोर फार मोर और ये भी ढाई साल की एज तक जाके ये ठीक हो जाते हैं और रीडुप्लीकेशन वैन अ कम्प्लीट साउंड आर इनकम्प्लीट सेलेबल इज़ रिपीटड जैसे बाबा फार बॉटल और ये भी तीन साल की एज तक चलते हैं इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसेस के सिलसिले में ये एक आपके सामने में एक पूरी इसका एक समरी है एक टेबल की शक्ल में जिनको हम देख सकते हैं तो बैकिंग है फ्रंटिंग है ग्लाइडिंग है अब बैकिंग की है कैप फॉर टैप फ्रंटिंग है ये जरा मैं ब्रीफली पढ़ रहा हूँ ताकि ये मिस टैट फॉर कैट ये फोर ईयर्स की एज तक यानी इसमें बताया गया एग्जाम्पल्स और एज और डेफिनेशन भी दी गई है इनमें और फिर स्टॉपिंग यानी रोकना टी फार सी और इस तरह वावलाइजेसन वन द ईयर ऑफ एल साउंड इज़ रिप्लेसड विद अ वावल जैसे एप्पो फार एप्पल एंड एफ्रीकेशन वन नॉन एफ्रीकेट इज़ रिप्लेस बाई एन एफ्रीकेट सो जोर फार डोर और डी एफ्रीकेशन इसमें देखें शिप फार चिप और फिर इस तरह एलवलाइजेसन उसमें है टी फॉर शी और डी पलेट के जिस तरह हम पलटलाइजेशन जो आप तालू के साथ अल्फाज बोलते हैं उनके के बारे में कि फ़िट फॉर फिश और लेबलाइजेशन जब दो होंटों को मिलाकर लफ्ज़ बोलते हैं पु फार टू तो इस तरह ये एक इनकी एक समरी थी जो मैंने अभी आपके सामने और प्रेजेंट की और फिर नेक्स्ट टेबल में आप देखें जो पहले हमने इसको वन बाई वन डिलीट किया उसको रिपीट किया तो अब इसको एक समरी की शक्ल में सिमुलेशन है और इसमें जो साउंड्स हैं वेलर साउंड्स हैं गुक फॉर डक और नेज़ल साउंड्स हैं इसमें मैनी नैनी फार कैंडी और कोल सीन इसमें यह है फाइल फॉर स्माइल तो नेक्स्ट ये है कि स्ट्रक्चर सेलेबल्स में आप देखें कि चेंज फॉर द इफेक्ट द सेलेबल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड वो उसमें क्या हो गया क्लस्टर रिडक्शन जो इससे पहले भी मैंने मिसाल दी नोन फॉर क्लोन और फाइनल कॉन्सोनेट डिलीशन बू फॉर बुक और वीक सेलेबल डिलीशन टैटो फॉर पोटैटो तो ये थी किस तरह हम जो फोनोलॉजिकल प्रोसेस में बच्चे आवाज़ों को डिलीट करके फ्रंट बैक और इस तरह करके या चेंज करके वो वर्ड्स को अदा करते हैं साउंडस के ज़रिए और इस तरह ये उसकी तमाम तर तफसील मैंने आपके इस मॉड्यूल में आपको प्रजेंट की